अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 22 के अंदर हमने एक रेस्टफुल एपीआई क्रिएट की थी यूजिंग एक्सप्रेस, लेकिन उस रेस्टफुल एपीआई के अंदर हमने जो डेटा यूज़ किया था वो एरे से यूज़ किया था। प्रीवियस थ्री लेक्चर्स जो गुजरे हैं उनमें हमने सर्वर साइड रनिंग देखी है, जो पग के अंदर अगर हम पग और एक्सप्रेस के साथ अगर हम अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो वो किस तरह से बिल्ड करेंगे। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि एक तो जो आपकी वेब एप्लीकेशंस जो हैं वो बिल्ड होंगी तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशंस नहीं होंगी, उसके लिए वो टाइटली बाउंड हैं पग के साथ। अगर आप एपीआई बिल्ड करते हैं तो उसका एडवांटेज ये है कि अगर आप अपना फ्रंट एंड या विजुअल प्रेजेंटेशन लेयर जो है आपकी, वो अगर आप बिल्ड करें एंगुलर में, रिएक्ट में, या जेक्यूरी के साथ, या इवन पग और जेक्यूरी को यूज़ कर लें, या इवन अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो एक एपीआई है वो एज ए बैकएंड एक्ट करेगी और वो यूटिलाइज की जा सकती है इन सारी प्रेजेंटेशन लेयर्स के साथ। तो आज जो है वो हम अपनी एपीआई बिल्ड करेंगे, और लेकिन इसमें प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होगी, यानी आपके फ्रंट एंड के ऊपर एचटीएमएल नहीं होगा। हम डेटा के साथ प्ले करेंगे और एचटीटीपी प्रोटोकॉल के ऊपर अपने डेटा को एक्सपोज करेंगे यूजिंग एक्सप्रेस और मोंगोडीबी। तो मैंने जो है वो लेक्चर नया फोल्डर क्रिएट किया हुआ है लेक्चर 29 का, और इसके अंदर हम एज यूजुअल फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे। तो जो एक्सप्रेस ऐप जनरेटर है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने अपने पास ग्लोबली। तो आप एक्सप्रेस डैश जनरेटर जो है उसको आप इंस्टॉल करें। इसको हमने लास्ट थ्री लेक्चर्स के अंदर भी यूटिलाइज किया है। आपने करना ये है कि इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो, ओनली वंस। और ये एक्सप्रेस को का जो बॉयलर प्लेट है जो आपको एक स्टार्टिंग कोड प्रोवाइड करता है वो एप्लीकेशन को जनरेट करवा देगा आपकी। तो लेट्स स्टार्ट के हम इसके लिए जो हमने कमांड यूज़ की थी जनरेट करवाने के लिए वो ये यूज़ की थी। फॉर दिस सीरीज हमें चूंकि पग नहीं चाहिए तो हम पग को यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो माई ऐप एक फोल्डर नेम देंगे उसे। तो एक्सप्रेस नोड एपीआई रेस्टफुल एपीआई फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं। इसमें भी हम प्रोडक्ट्स को और यूजर्स को ही डील करेंगे उसके साथ। तो ये हमारा एक बेसिक स्केलेटन जो है एप्लीकेशन का वो क्रिएट कर देगा, और उसके लिए उसने जो फोल्डर क्रिएट किया है वो रेस्टफुल एपीआई का है। गो अहेड, इस फोल्डर के अंदर हम आते हैं तो हम यहीं से इसको npm इंस्टॉल और npm स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ फीजिबल अगर आप रूट के ऊपर इस फोल्डर को ओपन कर लें। तो मैं कोड स्पेस डॉट एंटर करता हूं तो वो मेरा एक नया विजुअल कोडियो स्टूडियो कोड का इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, और वो उसके अंदर वो फोल्डर एज ए रूट एक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो ये फोल्डर हमारा एक्सप्रेस की बेसिक ऐप उसने जनरेट करवाई हुई है। तो न्यू टर्मिनल के ऊपर आके मैं इसको npm इंस्टॉल npm इंस्टॉल कर दूंगा तो ये मेरा नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो क्रिएट करना शुरू कर देगा। अगेन यहाँ पे जो हमने bin का फोल्डर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है बेसिकली। तो app.js जो है वो इसको इसको हम स्टार्ट करेंगे www फाइल को, लेकिन ये इनफैक्ट स्टार्ट करवाएगा app.js को। तो मेरा स्टार्ट हो चुका है, तो इसको एप्लीकेशन को मैं npm स्टार्ट करके स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होगा npm स्टार्ट का कि एवरी टाइम जब भी आप चेंज करेंगे तो देन यू विल हैव टू रीस्टार्ट योर सर्वर। तो कंट्रोल सी करके क्लोज होगा सर्वर और फिर npm स्टार्ट करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देर आर टू डिफरेंट वेज, आप नोडबॉन इंस्टॉल कर लें ग्लोबली जिस तरह आपने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया है, तो मैं सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ, या तो आप नोडबॉन के साथ /bin फोल्डर के अंदर से www के साथ अपना फोल्डर लॉन्च कर लें, या आप जो है वो जस्ट सिंपल नोडबॉन करें, ये आपके npm स्टार्ट से उसी फाइल को स्टार्ट कर देगा। तो देर आर डिफरेंट वेज जिससे आप अपनी API को स्टार्ट करवा सकते हैं। तो ये अगर आप स्टार्ट किया है तो बाय डिफॉल्ट जो जिस पोर्ट के ऊपर ये रन हो रहा होता है वो इस फाइल के अंदर पड़ी हुई है, दैट इज़ पोर्ट 3000। ओके, जब आप React के ऊपर भी हम काम करेंगे तो वो भी पोर्ट 3000 के ऊपर एक्ट कर रही होती है, तो मे बी हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं बाद में।
तो जस्ट यहाँ पे आप नंबर चेंज करेंगे और फिर आपका जो लोकल होस्ट कोलन 3000 या 4000 के ऊपर अगर आपकी एप्लीकेशन है, तो मैं इसको 3000 के ऊपर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 3000 के ऊपर, सॉरी, मेरी ऑलरेडी एक और एप्लीकेशन चल रही है, इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो ये 3000 के ऊपर आपका एक्सप्रेस का चल रहा है। तो ये ऑलरेडी पग को जेड को यूज़ कर रहा होगा, तो लेकिन हमने इसको यूज़ ही नहीं करना, हमने जो एक्चुअली यूज़ करना है वो पोस्टमैन यूज़ करेंगे हम, और इसके थ्रू हम अपनी सारी रिक्वेस्ट जो है वो चेक करेंगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट जा रही है उसके अगेंस्ट डेटा क्या वापस आ रहा है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, हमारा है लोकल होस्ट कोलन 3000 और इसको हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये उसने हमारा प्रिव्यू करेंगे, तो ये उस हमारा रिस्पॉन्स उसके ऊपर वापस आ गया। ओके, बट हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं कर रहे होंगे, हमें तो एक फाइल्स चाहिए। हमें फॉर एग्जांपल हमें प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट्स हैं हमारी और फिर हमारे यूज़र्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं राउट्स के फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम हम एपीआई रखते हैं। ओके, ये हमारी एपीआई क्रिएट हो रही है, एपीआई के हमारे राउट्स होंगे ये। ओके, इसके अंदर जो दो ऑलरेडी फाइल्स पड़ी हुई हैं वो एज ए सैम्पल फाइल्स इसने बना कर रखी हुई हैं आपके लिए, वो है इंडेक्स डॉट जे एस, ये एक राउटर है। ओके, तो और दूसरा जो है वो यूजर्स डॉट जे एस एक राउटर है। ओके, तो एपीआई के अंदर हमें दो राउट्स चाहिए फॉर द टाइम बीइंग। पहला होगा प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स डॉट जे एस, इसके अंदर हमें अपना राउटर क्रिएट करना है। राउटर क्रिएट करने के लिए हमें एक्सप्रेस ऑलरेडी इसके पास इंस्टॉल है, कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस इज इक्वल टू एक्सप्रेस को हम रिक्वायर कर लेते हैं। रिक्वायर करेंगे तो इसमें हमें उसको नाम देना पड़ेगा, एक्सप्रेस। सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमने एक्सप्रेस का राउटर क्रिएट करना है। राउटर जो है वो एक्सप्रेस को, इस राउटर को हम एक्सप्रेस की मेन ऐप को फिर फीड भी करेंगे ताकि वो फिर एपीआई के ऊपर जो राउट्स आ रहे हैं हमारे, उन सारे राउट्स को वो यहाँ पे को हैंडल करना शुरू कर दे। तो उसका एक राउटर हम स्टार्ट करते हैं, लेट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट डॉट राउटर और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स को हम ये राउटर दे देते हैं। अभी हमने इस राउटर को, जिसने हमारे सिर्फ प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो क्रिएट रीड अपडेट डिलीट के ऑपरेशंस हैं उनको हैंडल करना है, लेकिन अभी हमने कुछ भी उसे दिया नहीं है कि हम इसको को जो है वो शो क्या करना चाह रहे हैं, तो वो भी अभी हम देना शुरू कर देते हैं। एक हमारा प्रोडक्ट्स का राउटर होगा और एक हमारा राउटर होगा ऑथ का या यूजर्स का, कह लें हम यूजर्स का कह लेंगे। ये राउटर जो होगा ये सिर्फ एपीआई रिलेटेड राउट्स को हैंडल करने के लिए होगा। ओके, तो ऐप डॉट जे एस के अंदर हम आते हैं जहाँ पे ये दो राउटर्स हमने रिक्वायर किए हुए हैं, वहाँ पे हम प्रोडक्ट्स राउटर भी ऐड कर लेते हैं। और प्रोडक्ट्स राउटर्स को मैं राउट्स के अंदर एपीआई का फोल्डर है और उसके अंदर मेरे प्रोडक्ट्स का फोल्डर है, तो ये हो गया। और हमारा यूजर्स का जो राउटर है उसको हम यहाँ से उड़ा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ से भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो कि हम किस राउटर के अंदर काम कर रहे हैं। यूजर्स का जो राउटर है वो अब मेन राउटर की जगह पे एपीआई फोल्डर के अंदर यूजर्स का राउटर आ गया। अब दो राउटर्स को हमने इसके ऊपर यूज़ किया हुआ। इंडेक्स राउटर मेन है जो जस्ट हमारा एक मेन पेज को डिस्प्ले करने के लिए उसने यूज़ किया हुआ है। तो यूजर्स का जो राउटर है उसके बैक एंड के ऊपर, उसके पीछे, उसके राउट्स के पीछे मैं एपीआई जो है वो एम्बेड कर देता हूँ। ओके, इससे क्या होगा, जो यूजर राउटर्स के अंदर से, इस यहाँ से जो भी राउट्स आएंगे उन सारे राउट्स के पीछे वो स्लैश एपीआई स्लैश यूजर्स एम्बेड कर देगा। ओके, तो इसके साथ ही ये जो यूजर्स का राउटर है ये एक्ट करना शुरू कर देगा, और साथ ही हमें फिर चाहिए प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स राउटर। ओके, ये दो राउटर्स जो हैं वो अब हमने ऐड अप कर लिए हैं। ओके, प्रोडक्ट्स राउटर का जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि अगर आप रिकॉल करें तो हमने ये
एक RESTful API के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पांच डिफरेंट राउट्स होते हैं जो हमने बिल्ड करने होते हैं। तो हम प्रोडक्ट्स के ऊपर वो सारे राउट्स जो हैं वो बिल्ड करेंगे। तो उनमें जो सबसे पहले वाला राउट है वो ये है कि जब ये URL हिट होके आए तो हमें एक लिस्ट रिटर्न करनी है, ओके, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स रिटर्न करवानी है, ओके। तो अब वो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया हुआ प्रोडक्ट्स, तो पहला जो है उसका मेथड क्या होगा, मेथड उसका होगा गेट, ओके, गेट मेथड होगा, और ये अब हमें एक एरे रिटर्न करवाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें राउटर डॉट गेट मेथड एक इम्प्लीमेंट करना है, और चूंकि स्लैश API स्लैश कस्टमर्स है वो ऑलरेडी हमारा ऐप डॉट जे एस के अंदर से स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट्स आ रहा है, ओके। तो हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट ये लिखेंगे स्लैश और फंक्शन, उसके बाद हम उसे एक फंक्शन पास करेंगे। इस फंक्शन को आप अलग से भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो फंक्शन जो होगा उसके दो पैरामीटर्स होंगे, एक रिक्वेस्ट है और एक होगा रिस्पॉन्स, ओके, ये आ गया। तो यहाँ से हम जस्ट रिटर्न करवाएंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स सेंड कर दो, और सेंड करके करना क्या है, दो प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, एक पेन है और दूसरा मैं डमी पेंसिल ऐड कर देता हूँ, ओके। इस राउट का मतलब ये है कि ये गेट ऑल गेट प्रोडक्ट्स, ओके। अब ये राउट हमारा चल गया, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे अब मैं स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट्स लिखूंगा तो मेरा जो पेन और पेंसिल है वो यहाँ पे आने चाहिए मेरे, ओके। बट ऑफ कोर्स ये तो वही बात हो गई कि हम एरे को रिटर्न करवा रहे हैं, लेकिन हमने तो एक डेटाबेस को रिटर्न करवाना है ना। तो उसके लिए सोल्यूशन ये होगा कि आप पहले यहाँ पे मोंगूस को रिक्वायर करवा लें। मैं एक नया इंस्टेंस खोल लेता हूँ इसी का, npm install mongoose, mongoose जो है वो हमने हैंडल करना है, मोंगूस को रिक्वायर करवाना है। ऐप डॉट जे एस के अंदर आएंगे, हमें मंगूस को यहाँ पे पहले कनेक्ट करवा देना है। वी आर मंगूस इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूस, ओके। तो मंगूस को हमने रिक्वायर करवा लिया, इसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसका जो कनेक्ट करने का जो कोड है वो हम ऑलरेडी हमने क्रड के अंदर देखा हुआ है, जब हमने क्रड कंप्लीट कर रहे थे तो वो ये वाला है, ओके। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि स्टार्ट के मैं खुद से लिखूँ, mongoose डॉट कनेक्ट। तो यहाँ पे हम ऐप डॉट जे एस को एंड होने से पहले mongoose को कनेक्ट कर देंगे, ओके। ये हमारा mongoose जो है वो कनेक्ट हो गया, उसने वार्निंग दे दी, उसने कहा जी ये आपने ऐड नहीं किया हुआ उसमें, और वो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको एक ऑप्शन ऐड कर देंगे, वो हम स्टार्ट कर देंगे। इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऑप्शंस किस चीज़ की हैं। तो हमारा MongoDB के साथ कनेक्शन क्रिएट हो गया, ओके। तो उसमें जो डेटाबेस मैंने यूज़ की हुई है वो उसका नाम डायवर्डी है। तो कल हम जिस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर बात डेटाबेस के ऊपर बात कर रहे थे उसका नाम है प्रोडक्ट्स क्रड, उसी को हम यूज़ कर लेते हैं आज, प्रोडक्ट्स क्रड, ओके। अब ये प्रोडक्ट्स क्रड डेटाबेस को आपस में कनेक्ट कर लेगा, ओके। नाउ द थिंग इज यहाँ पे हम एक दो और चीज़ों को भी ऐड करेंगे, वो ये हैं कि जब आप डेवलपमेंट मोड के अंदर हैं, जिस तरह अभी हम डेवलपमेंट मोड के अंदर हैं, तो फिर हम इस डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, बट मे बी जब हम प्रोडक्शन के अंदर जा रहे हैं तो उसके में हमारी डेटाबेस जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो हमें ऐसी आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर एग्जीक्यूट हो रही होगी। फॉर एग्जांपल अभी हम डेवलपमेंट मोड के अंदर हैं, मे बी लेटर ऑन जब आप इसको डिप्लॉय करें तो आप प्रोडक्शन मोड के अंदर चले जाएंगे, तो वहाँ पे डेटाबेस का ये जो करेक्शन स्ट्रिंग है दिस कुड बी डिफरेंट, ओके। तो एप्लीकेशन वाइड कॉन्फ़िगरेशंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल का नाम है कन्फिग, npm i कन्फिग, ओके। ये हमने
इंस्टॉल कर लेना है। ओके, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपने एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, उस फोल्डर का नाम रखना है आपने कन्फिग। इसके अंदर आपने हर एनवायरनमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट डॉट जेसन, ये डेवलपमेंट के लिए आपकी जेसन फाइल हो जाएगी। इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो रख लेते हैं, ये वाली। ओके, तो ये वाली कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो हम इसके अंदर रख लेते हैं। ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम इसके अंदर रख लेते हैं। प्रोडक्शन के अंदर जब आप हैं तो आप प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन डॉट जेसन की फाइल रख लें, डॉट जेसन। ओके, उसके अंदर भी हम उसी वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल डीबी वेरिएबल के नाम से हमने वो रखी हुई है, तो हम इसको सिर्फ चेंज करेंगे जब हम प्रोडक्शन के लिए, तो होगा ये कि ऐप डॉट जेएस के अंदर हम इस पैकेज को रिक्वायर करते हैं, वी आर कॉन्फिग, सॉरी, इज इक्वल टू रिक्वायर कॉन्फिग कॉन्फिगरेशंस को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पे जब हमें इस किसी वेरिएबल का नाम चाहिए तो हम उस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉन्फिग डॉट गेट। ओके, यहाँ पे हम उस वेरिएबल का नाम दे देंगे डीबी। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या करेगी कि जब भी उसे इस ये इनकाउंटर होगा कन्फिग डॉट गेट, हमारा कन्फिग्रेशन फोल्डर जो हमारा पैकेज है वो ये करेगा कि वो इस फोल्डर के अंदर जाएगा कन्फिग के अंदर। अगर आप डेवलपमेंट मोड के अंदर हैं तो यहाँ से वैल्यू उठा के लेके आएगा, और अगर आप प्रोडक्शन के अंदर हैं तो यहाँ पे, और अगर आप टेस्टिंग के अंदर हैं तो टेस्टिंग डॉट जेसन से। ओके, अगर कोई फाइल मिसिंग है तो वो एरर दे देगा। अगर आप एरर से बचना चाह रहे हैं न्यू फाइल, तो आप डिफॉल्ट डॉट जेजन भी दे सकते हैं। ओके, कि वो वैल्यू फिर डिफॉल्ट से आके उठा देगा। एरर आया था, ओके, हमारा एरर रिमूव हो गया, तो वो डिफॉल्ट डॉट जेजन से वो वैल्यू उठा देगा। तो मैं इसको उसके अंदर भी कॉपी कर देता हूँ इंस्टेड, क्योंकि अभी हम डिफरेंट एनवायरमेंट्स के अंदर काम नहीं कर रहे, बट हम अपनी एप्लीकेशन को एडजस्ट करेंगे फॉर फ्यूचर फ्यूचर वर्क। ओके, इससे क्या होगा कि हमारा जो एप्लीकेशन वाइड कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो हमारी हैंडल हो जाएंगी। ओके, तो हम दोबारा प्रोडक्ट्स के अंदर आते हैं। अब हमें मॉडल्स क्रिएट करने हैं उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट क्लास के लास्ट क्लास में पग के लिए यूज़ किए थे। तो एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं मॉडल्स का, इसके अंदर नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं हम, इसका नाम होगा प्रोडक्ट डॉट जेएस। मंगूज को रिक्वायर करते हैं, इज इक्वल टू रिक्वायर मंगूज। ओके, पहले हमें स्कीमा क्रिएट करना है, वेरिएबल प्रोडक्ट स्कीमा इज इक्वल टू मंगूज डॉट स्कीमा, और इसके अंदर हम उसे स्कीमा दे देंगे। हमारे पास हैं दो चीज़ें, एक प्रोडक्ट्स के अंदर दो चीज़ें हमने रखी हुई थी, एक थी नेम और एक था प्राइस। तो नेम जो है वो हमारी स्ट्रिंग है, और प्राइस जो है हमारी वो नंबर है, नंबर भी दे सकते हैं आप, चलें आज नंबर दे देते हैं। ओके, ये आ गया आपका प्रोडक्ट स्कीमा। आप मॉडल क्रिएट करेंगे, ये प्रोडक्ट इज इक्वल टू मंगूज डॉट मॉडल का फंक्शन है, इस पहले मॉडल का नाम वो होगा प्रोडक्ट, और फिर हमारा आएगा उसका प्रोडक्ट स्कीमा, और इस मॉडल को हम यहाँ से एक्सपोर्ट करवा देते हैं। ओके, तो ये मॉडल हमारा क्रिएट हो गया, और ये मॉडल जो है क्रिएट होने के साथ ही हमारी फाइल भी क्रिएट हो गई। मॉडल का एडवांटेज, अगेन मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये है कि MongoDB के ऊपर हमने जो क्यूरीज लगानी है ये हमारी जिंदगी को आसान कर देता है।
तो इंस्टेड कि हम यहाँ से पेन और पेंसिल को लेके आए, हम एक्चुअली अपने मॉडल को कहते हैं वी आर प्रोडक्ट इज इक्वल टू रिक्वायर रिक्वायर प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट ऐसे नहीं आएगा, हमें फाइल का पाथ देना पड़ेगा पहले। वो फाइल है हमारी पेरेंट फोल्डर के अंदर है मॉडल्स, इसके भी पेरेंट में जाएंगे, यहाँ पे है मॉडल्स, इसके अंदर है प्रोडक्ट डॉट जे एस। तो एसिंक हमने यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे हम डेटाबेस में से प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं। प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड, ओके, और रिस्पॉन्स पे हम सेंड कर देते हैं प्रोडक्ट्स को। ओके, अब इंस्टेड की हम एरे को लेके आए, मैंने गेट मेथड के साथ रिस्पॉन्स के ऊपर, सॉरी यहाँ पे हमारी जो दो प्रोडक्ट्स थी उन दो प्रोडक्ट्स का डेटा जो है वो ले आया। पहली जीन्स है उसकी प्राइस 200 है, दूसरी शर्ट है उसकी प्राइस 100 है। ओके, तो ये वही वाला डेटा है जो हम डेटाबेस में से उठा के लेके आ रहे हैं, चूंकि हमने मंगूज को आपस में कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप अब हम इसके जितने भी हमारे पास आएंगे, फॉर एग्जांपल राउट्स आएंगे, तो पहला राउट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हम गेट कर रहे हैं एक एरे को। अच्छा, नेक्स्ट है गेट ए सिंगल कस्टमर। ओके, उसे आईडी जाएगा और उस आईडी की बेस पे वो एक कस्टमर को रिक्वायर करके लेके आएगा। ओके, तो अब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि हमारी जो नए फंक्शंस होंगे वो पुराने फंक्शंस हम जितने भी बिल्ड कर रहे होंगे उनमें मामूली सी चेंजेस के साथ आएंगे, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि वो चेंजेस क्या हैं। ओके, गेट ऑल प्रोडक्ट्स है पहला, तो गेट सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आएगी। इस प्रोडक्ट को अब जो राउट है उसको एक पैरामीटर भी पास होके आएगा, वो पैरामीटर होगा आईडी का। ठीक है, तो आईडी के पैरामीटर से मुराद ये होगी कि वो, सॉरी, उसके एंड पे एक आईडी एम्बेड होके आएगा और उस एक आईडी की बेस के ऊपर हम अपना रिकॉर्ड को उठा के लेके आए। ओके, सिंगल प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट्स के एस को हम यहाँ से खत्म कर देते हैं, एक प्रोडक्ट को उठा के लेके आना हमने। ओके, एक प्रोडक्ट आ गया। ओके, तो प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, और आईडी जो होगा वो रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी। ये जो आईडी आ रहा है ये एक्चुअली ये वेरिएबल का नाम है जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कोलन के साथ, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो वो भी चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो ये हमें एक सिंगल रिकॉर्ड जो है वो उठा के ला के देगा। ओके, तो लेट्स टेस्ट के हमारे पास जो पहले रिकॉर्ड आया था उसका एक ये आईडी है। अब मैं इसके एंड पे ये आईडी जो है वो एम्बेड करता हूँ और इसको हम सेंड करता हूँ, तो आई शुड गेट ए सिंगल रिकॉर्ड। ओके, नाउ द थिंग इज कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा दूसरा राउट भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे कोई आईडी मैं चेंज करके कोई डमी दे देता हूँ, ओके, इस आईडी का रिकॉर्ड अब नहीं है डेटाबेस में, तो व्हाट शुड आई गेट? एरर आ रहा है, ये सर्वर के ऊपर एरर आ गया, सर्वर पे एरर आया है, तो सर्वर पे एरर है, एरर कंपाइल कास्ट ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर वैल्यू डमी, कि हमने डमी जो वेरिएबल है वो आईडी जो है वो प्रॉपर आईडी हमने नहीं दिया वो उसको। ओके, इसको चेक भी किया जा सकता है, मंगूज के पास अपने फंक्शन है कि आपने ऑब्जेक्ट आईडी करेक्ट दिया है या नहीं दिया। बेस्ट वे है कि आप इसको रैप कर दें इस पूरे को एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। एरर आ गया, तो यहाँ पे सराउंड विद कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करें तो वो कंट्रोल शिफ्ट टी के आ जाता है, सॉरी ये आ गया, इसको कंट्रोल शिफ्ट टी या वहां पे क्लिक कर दें तो ट्राई कैच के अंदर मैं इसको सराउंड कर देता हूँ। अगर तो प्रोडक्ट मिल गया तो ठीक है, एरर नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे अगर आप आईडी गलत दे देते हो, एरर आ गया आपका, तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड
इनवैलिड आईडी। ओके, तो इनवैलिड आईडी रिस्पॉन्स को सेंड कर देंगे हम, लेकिन ये भी हमारे प्रॉपर को रिस्पॉन्स को अगर अभी हम चेक करें तो ये भी हमारा जो रिस्पॉन्स है इनवैलिड आईडी चला गया, बट स्टिल स्टेटस हमारा 200 आ रहा है, दैट मीन्स ओके आ रहा है। तो हमारे जो कंज्यूमर होगा इस एपीआई का, उसे पता नहीं चलेगा कि उसने एरर कर दिया। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली डॉट स्टेटस जो है वो भी करेंगे, और स्टेटस को हम कर देते हैं 400। 400 करने से क्या होगा, अब हमारा स्टेटस जो है वो 400 हो गया और बैड रिक्वेस्ट आ गया। यानी हम रिक्वेस्ट में बता रहे हैं, रिस्पॉन्स में हम बता रहे हैं कि भाई ओके नहीं है रिस्पॉन्स, आपने जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो बैड रिक्वेस्ट का आ रहा है। तो हमारा रिस्पॉन्स जो होगा वो बैड रिक्वेस्ट का आ जाएगा। ओके, इसी तरह अगर आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं मिलती, मसलन आईडी आपने गलत दे दी है, आईडी ठीक है, आईडी का फॉर्मेट ठीक है लेकिन आईडी गलत है, तो इफ नॉट प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देंगे यहाँ से, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड, प्रॉपर मैसेज हम दे देते हैं यहाँ से, प्रोडक्ट विद गिवन आईडी इज नॉट प्रेजेंट। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि अब अगर आपका हर चीज ठीक है तो फिर ये वाला रिस्पॉन्स सेंड होगा, एवरीथिंग इज ओके, ये वाला तब रिटर्न होगा व्हेन व्हेन आईडी इज नॉट प्रेजेंट इन डीबी। ओके, ये रिस्पॉन्स तब सेंड होगा जब फॉर्मेट ऑफ आईडी इज नॉट करेक्ट। ओके, तो ये हमारा थोड़ा सा, इसमें हम अगर प्रॉपर चेक्स लगा रहे हैं तो फिर हमारा ये होगा। तो अब हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं इसकी जो आईडी है वो ये है ईए के साथ, तो इसको मैं अगर देता हूँ प्रॉपर आईडी तो ठीक है हमारा रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर आईडी में का फॉर्मेट ठीक है लेकिन आईडी गलत है, ए की जगह मैंने बी कर दिया है, तो हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट विद गिवन आईडी इज नॉट प्रेजेंट। अदरवाइज इसकी जगह पे अगर मैं इसको फॉर्मेट गलत कर देता हूँ, ओके, तो आ जाएगा इनवैलिड, और लेकिन हमारा स्टेटस भी जो होगा वो बैड रिक्वेस्ट का आ जाएगा। पोस्टमैन है ये, पोस्टमैन को हम यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए और उन्हें रिसीव करवाने के लिए। ओके, तो हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वन इज अपडेट करना है हमने किसी एक प्रोडक्ट को। ओके, तो उसके लिए आपको करना ये है कि सॉरी, यहां पे हमें एक नया राउट करना है, राउटर डॉट, बट उसका मेथड होगा पुट, और वो हमसे रिसीव करवाए हमें देगा एक आईडी राउट के अंदर, और एसिंक फंक्शन के अंदर हम ये करेंगे कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ओके, ये राउट आ गया आपका, और यहाँ पे होगा कि पहले हम प्रोडक्ट को फैच करेंगे उसी तरह जिस तरह हमने प्रोडक्ट को फैच किया हुआ है, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। वैलिडेशन आप बाद में ऐड कर सकते हैं इसमें, ये हमारी एक प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। पहले लास्ट लेक्चर्स में हमने फॉर्म से नेम के इनपुट फील्ड से नेम्स उठाए थे, वेरिएबल्स उठाए थे, अब हम उठा रहे हैं रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर से। नेम के साथ हमारी आ जाएगी प्राइस और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्राइस, अवेट प्रोडक्ट डॉट, प्रोडक्ट को सेव कर दो जाके, एंड देन रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड प्रोडक्ट, अपडेटेड प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न करवा दो हमें। ओके, दैट्स एनफ फॉर द टाइम बीइंग। अब इस रिक्वेस्ट को हम जब एजेक्स से सेंड करेंगे तो फिर हम बकायदा डेटा जेसन के फॉर्मेट में नेम और प्राइस के वैल्यूज के अंदर
वेरिएबल्स के नामों से हम इंडेक्सेस के नामों से जेसन का फाइल फॉर्मेट यूज़ करते हुए हम सेंड करेंगे। यहाँ से हम कैसे सेंड करेंगे, गेट मेथड को हम मैं सेव करवा देता हूँ यहाँ पे। कलेक्शन मेरी है मर्न वीडियो सीरीज, ओके। इसको मैं सेव एज करवा लेता हूँ और सेव एज करवा के उसी के अंदर मैं सेव एज करवा लेता हूँ और इसका रिक्वेस्ट का नाम रख देता हूँ मैं अपडेट, ओके। मेथड हम करेंगे पुट, आईडी ऑलरेडी हमारा आ रहा है, पहले वाला आईडी गेट करके पहले देख लेते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड है, सॉरी इनवैलिड आईडी आ रहा है, तो इसका आईडी हम प्रॉपर दे देते हैं। जीन्स और 200 आ रहा है। अब गेट को हम पुट करेंगे, मेथड इसका गेट की जगह पे पुट हो जाएगा और बॉडी रिक्वेस्ट की बॉडी में हमने वैल्यूज फेंकनी है। बॉडी के अंदर रॉ यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे जेसन और यहाँ पे प्रॉपर जेसन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देंगे इसको। तो पहला है हमारा नेम, नेम जीन्स है तो मैं इसको कर देता हूँ ब्लू जीन्स और इसकी मैं प्राइस कर देता हूँ, प्राइस है इसकी 300, ओके। अब ये डेटा जब रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास तो वो इसी राउट को जाएगा जिसका आईडी है, लेकिन मेथड होगा पुट का। तो पुट के मेथड से होगा कि वो ऑलरेडी हमारे पास जो आएगा वो इस जगह पे आ जाएगा, ओके। अपडेटेड रिकॉर्ड, इसको मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ। तो अभी हम करके देखते हैं, यहाँ से सेंड करते हैं इसको, ओके जी। अब रिस्पांस चेक करें, हमारे पास जो नया ऑब्जेक्ट है, जो रिकॉर्ड है, वो जीन्स की जगह ब्लू जीन्स हो चुका है और प्राइस उसकी 300 ही है, ओके। और अगर इसको हम डेटाबेस के अंदर देखें तो वो हमारा जीन्स और वो आ रहा है, इसको रिफ्रेश करें तो वो हमारा ब्लू जीन्स और 300 आ गए, ओके। दिस इज हाउ वी अपडेट आवर रिकॉर्ड, ओके। अपडेट और पोस्ट जो है वो हमारा तकरीबन सेम होता है। अब अगला है हमने डिलीट करना है एक रिकॉर्ड को, ओके। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन आईडी चाहिए, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। उसमें आप वो सारे चेक लगा सकते हैं जो हमने गेट के अंदर यूज लगाए थे, मैं अभी बिल्कुल सिंपल रख लेता हूँ। मेथड को हम डिलीट कर देते हैं, आईडी जाएगा और इसको मैं कर देता हूँ फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ओके। प्रोडक्ट हमारी डिलीट हो जाएगी डेटाबेस में से। इस प्रोडक्ट को ये कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, करें नहीं करना चाहते, अब ना करें, और इसको हम सेव कर लेते हैं। दैट्स ऑल, हमें डिलीट करने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो इसको चेक करते हैं बकायदा आके, इसको मैं सेव करवा लेता हूँ, इसको सेव एज कर लेते हैं डिलीट के तौर पे, और इसको हमें बॉडी की ज़रूरत नहीं है। अगर अब कुछ आ भी जाएगा बॉडी में तो कोई मसला नहीं है। मेथड को हम कर देते हैं डिलीट, ओके। और इसको हम आईडी पास कर दिया तो ये क्या करेगा, इसको सेंड कर देता है। ये मेथड और रिकॉर्ड अब उसने डिलीट कर दिया हुआ है डेटाबेस में से, इसको चेक कर लेते हैं जाके। तो हमारा मेथड जो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है यहाँ पे, ओके। अब हम आते हैं वापस और वापस आके डिलीट की जगह पे, अब अगला काम जो है हमारा वो टू रिकॉर्ड है, टू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड, इंसर्ट रिकॉर्ड, इंसर्ट रिकॉर्ड। मेथड इसका होगा जी पोस्ट का और राउट इसका वही होगा जो गेट ऑल रिकॉर्ड्स वाला है, लेकिन अब चूंकि मेथड पोस्ट हो गया है इसका तो हम इसको वहां से उठा लेंगे। अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी पोस्ट मेथड के साथ वो इसके पास आएगी, ओके। हमें अब प्रोडक्ट क्रिएट करनी है तो प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट आप यहाँ पे भी पैरामीटर में भी इसकी वैल्यूज पास कर सकते हैं नेम और प्राइस की। मैं जिस जो हमने अपडेट के लिए यूज किया था वो सेम हम प्रोसीजर जो है वो हम यूटिलाइज कर लेते हैं इसके लिए, ओके। एंड दैट्स इट, हमारा रिकॉर्ड जो है वो अब इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा।
अब रिकॉर्ड्स अगर आप एग्जांपल लें तो रिफ्रेश कर लें इसको, तो अभी एक ही रिकॉर्ड है यहाँ पे, मैं इसको सेव करवा के सेव एज कर लेता हूँ इंसर्ट, और आईडी अब इसको नहीं जाएगा, मेथड होगा इसका पोस्ट, और बॉडी के अंदर जो वैल्यूज मैं भिजवा रहा हूँ वो अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल बाइक लिख देते हैं, और इसकी प्राइस 3000 दे देते हैं, इसको हम सेंड कर देते हैं। हमारी बाइक का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, यहाँ पे आएंगे तो हमारा ये बाइक ऐड हो गया, यहाँ पे हम कार लिख देंगे 3000 की जगह पे 6000 कर लेते हैं सेंड, हमारा एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और वो होगा कार का, तो हमारे तीन रिकॉर्ड्स आ गए। ओके, तो ये हमारा गेट आ गया। हमने गेट मेथड के साथ अगर सारे रिकॉर्ड्स को फेच करें तो वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे हमारे पास जो और इस वक्त डेटाबेस के अंदर हैं, तो हमारे तीनों ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुके हैं। चारों ऑपरेशंस, चार नहीं बल्कि पांच राउट्स हैं हमारे पास, और राउट्स को मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला राउट जो है वो हमारा वो है टू गेट ऑल ऑल प्रोडक्ट्स, उसके बाद है सिंगल प्रोडक्ट के लिए, उसमें मैंने कुछ चेक्स लगाने के तरीके आपको बताए हैं कि किस तरह से आप आईडी को चेक कर सकते हो। उसके बाद है अपडेट करना, पैरामीटर कैसे हम राउट को दे सकते हैं, उस पैरामीटर की वैल्यू गेट कैसे कर सकते हैं, गेट करने के बाद उसको क्यूरी कैसे कर सकते हैं। फिर डिलीट करना है रिकॉर्ड को आपने, ओके। उसके बाद डिलीट करने के बाद है आपने नए रिकॉर्ड को आपने इंसर्ट करना है, और इंसर्ट करने के बाद आएगा आपका वो इंसर्ट कर लेंगे आपको, तो आपके पांचों राउट जो होंगे वो कंप्लीट हो गए। तो अब आपका ये जो फाइल है ये एक रेस्टफुल एपीआई को हैंडल कर रही है। ओके ओके गाइस, नाउ अब आती है वैलिडेशन की बात। फॉर एग्जांपल व्हाट विल हैपन अगर कोई गलती से हमें इंसर्ट में नेम की जगह पे नेम वन दे देता है। ओके, करके देखते हैं क्या होता है। ओके, अब वो रिकॉर्ड तो चला गया लेकिन नेम सेव नहीं हुआ हमारा, या नेम वन है लेकिन उसकी जगह पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूं। ओके, तो नेम तो सेव हो गया लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यहां पे एम्प्टी रिकॉर्ड ना आए, तो दो तीन तरीके हैं। ये पहले तो ये है, मैंने मंगूस में आपको बताया था कि आप वैलिडेशंस लगा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हमारे पास एक पैकेज है एक्सप्रेस का, उस पैकेज का नाम है हैप्पी जोई, हैप्पी स्लैश जोई। आप इस पैकेज को यूज कर सकते हो अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, इसका जो एग्जांपल्स हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड एपीआई वो इसकी ये एग्जांपल्स हैं जिस तरह से आप उसको वैलिडेट करवा सकते हैं। ओके, तो अपने बेसिकली हैप्पी जो ही है वो ऑब्जेक्ट को, जो जेसन का ऑब्जेक्ट है उसे वैलिडेट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो हैप्पी जो ही को अगर हम इसको इसको देखें, इसका इसके यूसेजेस देखें तो कितना पॉपुलर है, तो आप ये देख लेंगे इसकी 4.3 मिलियन वीकली डाउनलोड्स हैं और ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, तो दिस इज वेरी फेमस पैकेज। इस पैकेज को इंस्टॉल आपने करना है npm इंस्टॉल हैप्पी जोई करके, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, तो इसको इंस्टॉलेशन के लिए हम पावर शेल यूज कर लेते हैं, यहाँ पे npm इंस्टॉल एट हैप्पी स्लैश जोई, हैप्पी जोई मैंने इंस्टॉल कर लिया है। ये वैलिडेशन लॉजिक जाएगी कहाँ पे? हमारा मॉडल होता है फैटी मॉडल्स एंड स्किनी कंट्रोलर्स, ये राउटर्स हमारे कंट्रोलर्स होते हैं, तो इसकी जो लॉजिक है वो यहाँ पे जाएगी। ओके, आप दो काम कर सकते हैं, या तो यहाँ पे एक मेथड जो है वो आप लिख दें कि वैलिडेट करवाना है, वैलिडेट जो होगा फंक्शन होगा एक वैलिडेट, और इसको वैलिडेट प्रोडक्ट, ओके, और ये फंक्शन होगा हमारा।
आप हैप्पी जोई को कॉल करना है, हैप्पी जोई को हम कॉल कैसे करेंगे, रिक्वायर करेंगे इस तरह से, कॉन्स्टेंट जोई, आपका जोई रिक्वायर हो गया यहाँ पे। ओके, ये डेटा है जिस डेटा को हमने वैलिडेट करना है। और हैप्पी जोई कहता है कि आप मुझे स्कीमा क्रिएट करें, मेरे लिए डिफरेंट स्कीमा क्रिएट करें। ओके, तो वो इस तरह से होगा कॉन्स्टेंट स्कीमा, कोई नाम रख दें इसका, जोई डॉट ऑब्जेक्ट। ओके, और इस स्कीमा के अंदर मुझे बताएं ये, आप उसको मुझे एक ऑब्जेक्ट पास करें जोई डॉट ऑब्जेक्ट करके, और मुझे ये बताएं आपका जो नेम है प्रोडक्ट का वो क्या होगा फॉर एग्जाम्पल, और उसे चेन कर दें मेथड्स को। ओके, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि जी आप जोई डॉट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग आएगी, और डॉट मेन, मिनिमम करेक्टर्स इसके अंदर लेने हैं 3, और मैक्सिमम करेक्टर्स इसके अंदर लेने हैं फॉर एग्जाम्पल 10, और ये रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये नेम है उसका, मिनिमम करेक्टर्स भी ये हैं और 10 है, और ये रिक्वायर्ड है, और जो प्राइस है दैट शुड बी नंबर, और इसमें हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो नहीं दे सकते। मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जांपल 0 दे देते हैं इसकी, माइनस में वैल्यूज ना जाएं, और मैक्सिमम नहीं देते, और रिक्वायर्ड जो हैगा वो उसका हम रिक्वायर कर देते हैं। ओके, तो ये स्कीमा आप मुझे दे दें, एंड देन आपने जब इसको चेक करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट पास करें इस स्कीमा के ऊपर, लाइक यहाँ से आप रिटर्न करवा दें, रिटर्न स्कीमा डॉट वैलिडेट, वैलिडेट करो डेटा को। अगर तो कोई एरर नहीं आया तो मैं नल रिटर्न कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दूंगा। ओके, अब ये जो फंक्शन है ये आपके जो इनपुट के अंदर डेटा आ रहा है उसको वैलिडेट करने के लिए यूज होता है। दो तीन मैकेनिज्म्स हैं। पहला मैकेनिज्म तो ये है कि आप यहीं से इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करवाएं, क्योंकि ये मॉडल है, तो दिस शुड बी वैलिडेशन लॉजिक शुड बी इनसाइड द मॉडल, ताकि बाद में आपको पता होगा अच्छा प्रोडक्ट की जो वैलिडेशन है वो यहाँ पे हो रही है। ओके, तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी करवाया जा सकता है, तो फिर हमें मल्टीपल एक्सपोर्ट्स करनी पड़ेंगी यहाँ पे। ओके, तो हम डॉट इसको डॉट प्रोडक्ट कह के प्रोडक्ट कर लेते हैं, और इसको वैलिडेट करने का लॉजिक जो है वो हम वैलिडेट रिक्वेस्ट के पास ले जाते हैं, वैलिडेट प्रोडक्ट। ओके, ये दोनों रिक्वायर करवाएंगे। ओके, तो हम प्रोडक्ट्स के अंदर अब हमारा एरर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ से सिंगल एक्सपोर्ट करवाई हुई है और मल्टीपल एक्सपोर्ट्स नहीं कराई हुई, और इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे अब प्रोडक्ट आएगा और वैलिडेट। ये वैलिडेशन चेक करने के लिए फंक्शन जो है ये भी वहीं पे चला जाएगा। नो, अब हम आते हैं जरा पोस्ट के पास। पोस्ट मेथड को कहते हैं भाई सबसे पहले तो वैलिडेट करो, लेट वैलिडेट इज इक्वल टू वैलिडेट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को पहले वैलिडेट करो, और पहले हम रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके देख लेते हैं कि वैलिडेट में हमारे पास आ क्या रहा है। ओके, तो अब हम आते हैं यहाँ पे नेम प्राइस, अगर तो एवरीथिंग इज ओके, नेम हम यहाँ पे कुछ दे देते हैं डमी, इफ एवरीथिंग इज ओके तो रिटर्न ओके आएगा। कोई एरर आ गया है, एरर क्या है, कैन नॉट एक्सेस वैलिडेट बिफोर इनिशियलाइजेशन। ओ सॉरी, ये वैलिडेट नहीं आएगा, यहां पे आएगा एरर। फंक्शन है तो उसको हम यूज नहीं कर सकते ऐसे, फंक्शन नेम नहीं आएगा उसमें, अंदर आएगा एरर। इसको रिस्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं।
ओके उसने हमें वैल्यू पास की है, जो वैल्यूज हमें हमने उसे पास की थी, और एरर कोई नहीं आया। ओके कोई एरर नहीं है। एरर्स जो हो गया डेटा में, वो देर कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल हम नेम प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं। वहाँ पे हमने वैलिडेट को कहा हुआ है कि 3 करेक्टर से नीचे नहीं आना चाहिए, सेंड। ओके तो वो उसने क्या किया है, हमें ये ओरिजिनल वैल्यू और फिर एरर जो रिटर्न करवाया वैल्यू, उसके अंदर एरर है, एरर के अंदर उसने डिटेल्स भेजी हुई है। ओके एरर हमारा एक आया, पहला एरर आया, नेम इज नॉट अलाउड टू बी एम्प्टी, नेम एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ओके अब हम उसकी जगह पे एक करेक्टर दे देते हैं, चेक करते हैं कि क्या आता है। नेम लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 3 करेक्टर्स लॉन्ग। ओके अब हम दो एरर्स कर लेते हैं, हम प्राइस भी जो है वो -1 कर देते हैं, सेंड। अब हमारे पास दो एरर्स हैं, पहली डिटेल्स के अंदर आ रहा है नेम लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 3 करेक्टर्स लॉन्ग, दूसरा एरर नहीं आ रहा हमारे पास। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑप्शन एक प्रोडक्ट्स, ये जो वैलिडेट है जोई का, स्कीमा डॉट वैलिडेट, इसको एक ऑप्शन भी पास की जा सकती है, अबॉट अर्ली ट्रू फॉल्स कर देते हैं इसको। अगर बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, पहले एरर के ऊपर ये अबॉट कर देता है, चेकिंग को अगली वैल्यू उसको चेक नहीं करता। ओके अब उसको मैंने फॉल्स कर दिया, अब क्या होगा कि हमारे पास जितने भी एरर्स आएंगे वो उन सारों के लिए उसने डिटेल्स के अंदर एक एक जो मैसेज है वो हमने उसे एक एक मैसेज, पहला नेम लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग, दूसरा प्राइस मस्ट बी लार्जर देन और इक्वल टू 0। ओके तो ये नंबर है, अगर नंबर की जगह पे मैं यहाँ पे कुछ और दे देता हूँ तो इसको सेंड करके देखते हैं, तो एरर आ गया, प्राइस मस्ट बी ए नंबर। तो हमारा वैलिडेशन जो है वो प्रॉपर हम यहाँ से जा रही है, तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, सॉरी बुकिंग प्रोडक्ट्स आ गई, यहाँ पे हम बकायदा चेक कर सकते हैं वैलिडेट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के अंदर पोस्ट मेथड में, यहाँ पे एरर की जगह पे वो चूंकि एक से ज़्यादा वैल्यूज दे रहा है तो हम एरर को इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ओके एरर इफ एरर देन रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 और एरर डॉट डिटेल्स 0, पहले वाले एरर का डॉट मैसेज, ये रिटर्न करवा दें। ओके अदरवाइज वो आगे चला जाए। ओके तो ये उस वक्त तक कोड आगे नहीं जाएगा जब तक हमारा ये वैलिडेशन ट्रू नहीं हो जाती। ओके गाइस तो अब जो वैलिडेशन ट्रू हो रही है तो प्रोडक्ट्स की आ गई, तो अब हम दोबारा इसको जरा ठीक चेक करते हैं कि अब क्या आएगा। अब हमारा एक ही मैसेज आएगा यहाँ पे, नेम लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 3 करेक्टर्स लॉन्ग, वो उसको आप इसको नेम को ठीक करते हैं, फिर सेंड करते हैं, फिर आगे प्राइस का आ जाएगा, मस्ट बी ए नंबर, नंबर को हम 7 कर देते हैं, तो अब हमारा रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर वैलिडेशन जो है वो अप्लाई हो गई इसके ऊपर। अच्छा जी अब थोड़ा सा और इसको ज़रा प्यूरिफाई करते हैं, इसका मतलब ये होगा फिर कि जब हमारी अपडेशन है, ठीक है, पुट मेथड, यहाँ पे भी हमें सेम काम करना पड़ेगा। ओके व्हाट इफ कि मैं इस लॉजिक को यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ और कोई इजी वे फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, इसके लिए हमारे पास होते हैं मिडलवेयर्स। यहाँ पे हम मिडलवेयर्स ऐड कर लेते हैं, मिडलवेयर्स में हम एक मिडलवेयर ऐड करते हैं, उसका नाम हम रखते हैं वैलिडेट प्रोडक्ट। ओके डॉट जेएस, मिडलवेयर क्या है, ये एक फंक्शन है वैलिडेट प्रोडक्ट का, इसके 3 पैरामीटर्स हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। ओके ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स एग्जैक्टली वही हैं जो कि हमारे पास किसी भी राउट के अंदर होते हैं, सॉरी यहाँ पे किसी भी राउट के अंदर होते हैं, तीसरा है हमारा नेक्स्ट का। ओके तो
वैलिडेट प्रोजेक्ट प्रोडक्ट जो है ये मिडलवेयर फॉर एग्जांपल, इसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऐड कर देता हूँ कि ये रिक्वेस्ट की बॉडी को चेक करें, अगर वो वैलिडेटेड है, प्रोडक्ट का डेटा फॉर्मेट करेक्ट है, तभी आगे जाने दे, वरना वो यहाँ से आगे ना जाने दे, यहीं से रिस्पॉन्स वापस कर दे। ओके, तो ये जो लॉजिक है ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से। ओके, इसको मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, ये जो वैलिडेट का ऑब्जेक्ट है, का जो फंक्शन है, ये आ रहा है मॉडल में से, तो मॉडल को हम यहां पे रिक्वायर कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट वैलिडेट, सॉरी, वो वहां से दो चीजें आ रही हैं, तो आ जाएगा आपका वैलिडेट और इज इक्वल टू रिक्वायर वैलिडेट, रिक्वायर पेरेंट्स में मॉडल्स में से प्रोडक्ट के पास जाए और वहां से वैलिडेट फंक्शन उठा के लेके आए। तो एग्जैक्टली वही चीज जो हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर हमने ऐड किया हुआ था, तो वैलिडेट का फंक्शन हमने ऐड किया हुआ है वहां से, वो हम निकाल कर जाएंगे। अब वो वैलिडेशन अगर एरर आता है तो रिटर्न कर देंगे हम रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, एल्स जो है वो हम नेक्स्ट को कॉल कर देते हैं। ओके, इस नेक्स्ट का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है, अब हमें इस एपीआई के जो राउट है उसके अंदर, किसी भी राउट के अंदर ये ऐड कर सकता हूँ। इसको पहले रिक्वायर करते हैं हम यहाँ पे, कॉन्स्टेंट वैलिडेट प्रोडक्ट, ये मिडलवेयर है, इज इक्वल टू इसको रिक्वायर मिडलवेयर्स, मिडलवेयर्स में से यहाँ से उठा ले वैलिडेट प्रोजेक्ट प्रोडक्ट। ये जो है ये अब दिस इज अ मिडलवेयर। ओके, इसको मैं यहां से गायब कर देता हूं, वैलिडेट प्रोडक्ट को मैं यहां से उठाता हूं और पोस्ट मेथड में एज ए सेकंड पैरामीटर पास कर देता हूं। अब क्या होगा कि जब भी रिक्वेस्ट इस तक पहुंचेगी, पहले वो जाएगी वैलिडेट प्रोडक्ट के पास, वैलिडेट प्रोडक्ट उसको चेक करेगा कि क्या रिक्वेस्ट की बॉडी वैलिड वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड नहीं है तो रिस्पॉन्स वहीं से वापस कर देगा, अगर वैलिड है तो फिर नेक्स्ट कर देगा। नेक्स्ट का मतलब ये है कि हमारे पास नेक्स्ट मिडलवेयर कौन सा है, और नेक्स्ट मिडलवेयर है ये वाला। ओके, तो एक्चुअली जो आपके राउट्स हैं वो भी मिडलवेयर ही होते हैं, और मिडलवेयर ही की अंडरस्टैंडिंग जो है वो सारी वो कोर है आपके रेस्टफुल एपीआई यूजिंग नोड एंड मोंगोडीबी के साथ। अगर आप करेंगे तो पहले हम इसका पोस्ट मेथड को पहले चेक करते हैं कि क्या ये हमारा मिडलवेयर ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 7 की जगह पे मैं -5 करके देखता हूँ कि क्या आता है, सर्वर पे क्यों एरर है, हमारा एरर क्या है। रिक्वायर्स अ फंक्शन बट गॉट एन ऑब्जेक्ट एट राउट पोस्ट 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 पोस्ट, सॉरी, यहाँ से हमने इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट तो करवाया नहीं है। ये लें जी, इसको हमने एक्सपोर्ट करवा लिया, अब चेक करते हैं। टडा, अब हमारा जो वैलिडेशन है वो हमारे मिडलवेयर के पास चली गई है। प्राइस -5 है, तो इसको अगर मैं 0 करता हूँ तो फिर ये ठीक हो जाएगा और हमारा रिकॉर्ड जो है वो सेव हो जाएगा। ओके, तो इसको फिर हम अभी गेट मेथड के साथ प्रोडक्ट्स को पहले लिस्ट करते हैं। हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो प्राइस वाली प्रोडक्ट है, ये वाला आईडी, इसकी नेम नहीं है, इसको इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, गेट मेथड को मैं पुट में कन्वर्ट करता हूँ, स्लैश ये वाला दे देता हूँ। अब इस राउट को हमने प्रोटेक्ट करना है, उसको हमने अब सिर्फ एक काम करना पड़ेगा हमें, और वो काम ये होगा कि ये जो हमने मिडलवेयर यहाँ पे इंसर्शन के टाइम पे ऐड किया हुआ है, इसको हम पुट में भी इंसर्ट कर देते हैं। सिंपल, हमारी लॉजिक जो है वो डुप्लीकेट होगी दोनों जगहों पे, और वैलिडेशन की लॉजिक, राउट को प्रोटेक्ट करने की लॉजिक जो है वो एक जगह पे चली गई है।
अब मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई गलती करता हूँ और मैं अपडेशन के तौर पे ए सिर्फ दे देता हूँ, सेंड करता हूँ, तो मेरा एक्चुअल रिक्वेस्ट जा ही नहीं रही मेरे राउटर के पास, उससे पहले ही वापस आ जाती है। अगर ये ठीक है ए न्यू प्रोडक्ट और इसकी प्राइस जो है वो मैं 500 कर देता हूँ, तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली, अ नेम लेंथ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10 करेक्टर्स। ओके, हमने मैक्स भी दिया हुआ है। ओके, सेंड, और हमारा जो रिकॉर्ड है वो करेक्टली ठीक हो गया। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि हम वैलिडेशन की जो लॉजिक है वो एक जगह पे ऐड अप कर देंगे। तो जस्ट टू रिकैप, आज हमने क्या किया, आज हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। आज हमने ये सीखा है कि कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे आप रखवा सकते हैं एक अलग जगह पे प्रोडक्शन के लिए अलग, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं कोई करेक्शन स्ट्रिंग, और डेवलपमेंट के लिए अलग से उसको अलग अलग से कैसे करेंगे, कन्फिग का पैकेज है वो आपने इंस्टॉल करना है, वो यूज़ करना है। फिर हमने जो देखा है वो राउट्स देखे हैं कि प्रोडक्ट्स के जो राउट्स हैं वो हम कैसे उनको एडअप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसमें गेट मेथड के दो राउट्स, पहला सारी एरेज को रिटर्न करवाने के लिए, पूरी एरे को, यहाँ पे आप पेजिनेशन के लिए एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी ले सकते हैं गेट मेथड के साथ। और अगला आ गया आपका गेट मेथड। ओके, तो वो उसमें एक रिकॉर्ड कैसे आएगा, उससे एक रिकॉर्ड की आईडी को कैसे चेक करेंगे आप। फिर आ गया आपका अपडेशन का, फिर आ गया आपका डिलीशन का, फिर आ गया आपका पोस्ट करने के लिए, नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए। फिर हमने मिडल वेयर्स को देखा है कि मिडल वेयर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मिडल वेयर्स की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इस मिडल वेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसने चेक करना है कि राउट में जो डेटा आ रहा है वो वैलिड है या नहीं है। ओके, तो वो हम पुट और पुट मेथड में और पोस्ट मेथड में यूज़ कर रहे हैं इसको। तो ये चीज़ें जो हैं ये अभी तक हमने की हैं। ओके, वन लास्ट स्टेप जो है हमारा रहता है वो ये है कि प्रोडक्ट्स और जेएस जेसन, व्हाट इफ कि यहाँ पे हम क्यूरी स्ट्रिंग यूज़ करना चाह रहे हैं। ओके, मसलन क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर हम चाह रहे हैं कि पेज नंबर फॉर एग्जांपल अगर हमारा आ रहा है, तो क्यूरी स्ट्रिंग ये है कि हमारा जो अगर गेट मेथड है, ओके, और यहाँ पे मैथ्स ख़त्म हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा के पेज इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जांपल, सिर्फ पहले 5 10 रिकॉर्ड लेके आने हैं या पहले 20 रिकॉर्ड्स लेके आने हैं तो उसको सेंड करेंगे हम। तो अभी तो हमारा राउट काम कर रहा है, लेकिन ये जितने भी रिकॉर्ड्स, अगर 2000 रिकॉर्ड्स भी होंगे तो उनको भी रिटर्न करवा देगा। बट व्हाट इफ वी वांट ओनली टू रिटर्न 10 रिकॉर्ड्स। ओके, तो हमें यहाँ पे पहले चेक करना है कि क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर से वेरिएबल्स को कैसे गेट करना है हमने। क्वेश्चन मार्क के बाद वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू एंड वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू एंड वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू। तो पेज है कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। ओके, तो ये आ गया MongoDB, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स वापस आ जाएगा। तो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी का जो ऑब्जेक्ट है उसके पास वो क्या करेगा, आपके जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं उन सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक जेसन के ऑब्जेक्ट के अंदर रखवा के आपको दे देगा, यानी पेज 1 है और पेज नंबर आ गया आपका। ओके, व्हाट इफ के ये अगर मैं क्यूरी स्ट्रिंग नहीं देता तो मेरा जो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी का ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी आ जाएगा। ओके, तो इसको हम जस्ट सिंपल चेक करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट पेज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट पेज। अगर तो पेज वेरिएबल यूजर ने दिया है तो ठीक है, वो रिटर्न करवा दें रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट पेज, अदरवाइज पेज नंबर 1 ले आए, तो ऑलवेज हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी। ओके, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पर पेज यूजर से पूछ लेते हैं कि बेटा आपने पेज नंबर इतना रिक्वायर करना है और पर पेज कितने रिकॉर्ड लेके आने हैं। पर अंडरस्कोर पेज इज इक्वल टू इसको हम कैमल केस ले लेते हैं, सॉरी इसको
को लिखने से बेहतर है कि हम डुप्लीकेट कर लें लाइन को। पर पेज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट पर पेज, पर पेज 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास। ओके, तो दोनों वेरिएबल्स अगर यूजर ने दिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज उन्हें उन्हें हम डिफॉल्ट वैल्यूज दे देते हैं। डिफॉल्ट पेज नंबर 1 है और डिफॉल्ट में हम पर पेज जो है वो 10 दे देते हैं। ओके, तो स्किप कितने करने हैं हमने रिकॉर्ड्स? लेट स्किप इज इक्वल टू स्किप रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू पेज -1 पर पेज मल्टीप्लाइड बाई। ओके, इतने रिकॉर्ड्स को हमने स्किप करवाना है। पेज नंबर 1 आ रहा है अगर तो फिर 0 रिकॉर्ड्स को स्किप करवाना है। पेज नंबर 2 आ रहा है तो फिर हमें 2 -1 1 मल्टीप्लाइड बाई पर पेज, तो 10 रिकॉर्ड्स को हमें स्किप करवाना है। ओके, डॉट फाइंड डॉट स्किप कितने रिकॉर्ड्स को करवाना है, वो है आ गया आपका स्किप रिकॉर्ड्स। डॉट लिमिट लेके कितने आने हैं, लेके हमने आने हैं फॉर एग्जाम्पल पर पेज। ओके, तो ये आ जाएगा आपका। तो अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अभी चूंकि हमारे पास हमने कुछ उसे वैल्यूज पास नहीं की हैं, तो वो पहले पेज के ऊपर 10 रिकॉर्ड्स हैं, तो वो 10 रिकॉर्ड्स उठा के ला के आपको दे देगा। रिमेंबर पहला हमारा शर्ट है और फिर हमारी बाइक है। तो मैं कह देता हूँ पेज इज इक्वल टू 1 एंड पर पेज इज इक्वल टू 2। ओके, पर पेज हम ले रहे हैं तो पर पेज इज इक्वल टू 2। तो पेज नंबर 1 देर इज सम एरर ऑन द सर्वर। एरर पहले देखेंगे, एरर्स आर गुड, अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है हमें। फेल्ड टू पार्स फाइंड प्रोडक्ट्स फिल्टर लिमिट टू रिटर्न की फॉल्स फेल्ड टू पार्स श्योर रिकॉर्ड्स। ओके, ये आई थिंक इसे वो स्ट्रिंग ले रहा है, उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा पर पेज को। इसको दोनों को हम नंबर ले लेते हैं, वो स्ट्रिंग ले रहा है, उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, वो जो पहले स्ट्रिंग में ले रहा था इस वैल्यू को 2 को, अब उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट नंबर में कन्वर्ट करवा दिया। तो पेज इज इक्वल टू 1 पेज नंबर 1 और उसके ऊपर 2 रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। अब अगर मैं पर पेज की वैल्यू 3 कर देता हूँ तो वो 3 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे पहले, और स्किप पेज नंबर 2 के ऊपर चले जाते हैं हम। पेज नंबर 2 में हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, और पेज नंबर 3 के ऊपर चले जाते हैं हम। पेज नंबर 3 हमारे में हमारे पास 1 ही रिकॉर्ड है, और अगर हम पेज नंबर 5 पे चले जाते हैं तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। सो गाइस, अब हमने पेजिनेशन भी ऐड कर ली अपनी एपीआई में, हमने अपने राउट्स को भी करेक्ट कर लिया है, हमने वैलिडेशन भी ऐड कर ली है इसमें। अब ये हमारा एक कंप्लीट रेस्टफुल एपीआई होगा। आप इस कोड को एज ए सैम्पल कोड लेके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई कर ऑथेंटिकेशन अप्लाई करवाएंगे और एपीआई को हम ऑथेंटिकेट करवाएंगे। होपफुली गाइस आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको आते हैं तो मुझसे इंक्वायर करें, मैं उनको एड्रेस करूँगा।